हे गाइस, जब हम प्याज को काटते हैं तब हमारे आंखों से आंसू आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो चलो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्याज में अमीनो एसिड, सल्फोक्साइड और एंजाइम्स होते हैं। जब हम प्याज को कट करते हैं तब उसकी सेल्स ब्रेक होती है और ये दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक गैस बनाते हैं और उस गैस का नाम है सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड। और ये गैस जब हमारे आंखों के अंदर जाती है तब ये गैस आंखों को लुब्रिकेट रखने वाले लिक्विड के साथ, यानी कि मैं आम भाषा में बोलूं तो आंखों में जो पानी होता है उसके साथ ये गैस रिएक्ट करती है। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से आंखों में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही आंखों में जलन होती है। अभी ये जलन रोकने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को आंखों से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना जलन नहीं रुकेगी। तो इसी एसिड को बाहर निकालने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड एक डिसइंफेक्टेड लिक्विड को बनाता है, उसे ही हम आंसू कहते हैं। और ये लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, हमारे आंखों को वॉश करता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करो।